पैरेलल करेंट्स, फोर्स बिटवीन डिफरेंशियल करंट एलिमेंट, यहाँ तक अपन ने देखा था, ठीक है, फोर्स बिटवीन डिफरेंशियल करंट एलिमेंट। तो ये दो करंट एलिमेंट है, सपोज I1 DL1 और I2 DL2, ठीक है। तो इसमें हमने I2 DL2 पे फोर्स कितना लगेगा वो निकाला था, ठीक है। तो ये जो डिफरेंशियल फोर्स है, डिफरेंशियल फोर्स जो है टू पे जो लगेगा, DF2 लिखा, तो ये फॉर्मूला था I2 DL2 क्रॉस प्रोडक्ट, है ना, DB, जो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। तो ये क्या करेगा, ये जो I1 DL1 है इस पे एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, है ना, उसको हम लोग बोल रहे हैं ये आपका DB है, ये DB, दैट इज DB, इससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इट्स नथिंग बट DB2 बोल सकते हो इसको, ठीक है। तो ये इसका DB निकालना पड़ेगा, तो DB के लिए आप म्यू नॉट DH करते हैं, और DH जो रहेगा दैट इज ड्यू टू I1 जो है ना। तो ये इस तरह से आपने ये निकाल के यहाँ पे रख दिया, तो DB की वैल्यू यहाँ रख देंगे, और ये I2 DL2 जो है यहाँ पे इस फॉर्मूला में DB की वैल्यू रख के, तो इतना फोर्स उस पर लगेगा। सिमिलरली वैसे ही हम 1 पे भी निकाल सकते हैं, है ना, बताया था मैं आपको कि जो है हम सिमिलरली 1 पे भी निकाल सकते हैं। तो जिस पे भी पूछा जाए, दो करंट दिया है तो सेकंड पे फोर्स, फर्स्ट पे फोर्स, हम दोनों निकाल सकते हैं, जो भी पूछा जाए। देखेंगे न्यूमेरिकल हम सॉल्व करेंगे भी उसी से रिलेटेड, बट कुछ चीजें और है थ्योरी बताने का, वो बता दे। नाउ कम टू फोर्स बिटवीन टू लॉन्ग पैरेलल करेंट्स, इनफाइनाइट लॉन्ग पैरेलल करेंट्स है, तो एक दूसरे पे फोर्स कितना लगेगा। सपोज है यहाँ पे एक वायर है, लेंथ काफी बड़ा है उसका, इनफाइनाइट लेंथ का है ना। तो इसको हम करंट 1 बोल रहे हैं, करंट I1 इज फ्लोइंग देयर, और यहाँ पे I2 इज फ्लोइंग देयर, यहाँ पे जेड डायरेक्शन टुवर्ड्स करंट फ्लो हो रहा है, और दोनों के बीच जो डिस्टेंस है डी है ना, दोनों के बीच डिस्टेंस डी है, ये वाई एक्सिस है, ऐसा बोल सकते हैं। तो ये वाई जेड प्लेन में रखा है अपन, ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है, दिस इज प्लेस्ड इन वाई जेड प्लेन, दोनों को वाई जेड प्लेन में प्लेस किया गया है। तो इसमें हम लोग जो फोर्स लगेगा वो निकालना चाह रहे हैं, तो हम सेकंड वाले पे निकालना चाह रहे हैं, इसमें कितना फोर्स लगेगा। तो अगेन जो फॉर्मूला है वो है F2 इज इक्वल टू, हमने पढ़ा है उसमें अगर करंट I2 फ्लो हो रहा है, उसका लेंथ L2 है, तो L2 वेक्टर लगाते हैं करंट का डायरेक्शन शो करने के लिए, तो L2 वेक्टर ये सेकंड का हो गया लेंथ और उसका करंट की वैल्यू, देन क्रॉस प्रोडक्ट B वेक्टर, ये क्या करेगा, एक वैल्यू मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा ये B, इस मैग्नेटिक फील्ड के कारण इसमें फोर्स लगेगा, उस फोर्स को हमको निकालना है ना, उस फोर्स को निकालना है। तो F2 इज इक्वल टू I2 L2 B होगा, तो B कितना होगा, B जो होता है वो म्यू एच होगा, है ना, म्यू एच, B इज म्यू एच होता है, म्यू नॉट, तो एयर में लिए हैं तो म्यू नॉट एच, ऐसा कर। तो H कितना होगा, तो लॉन्ग वायर के केस में हमको मालूम है H कितना होता है ना, इनफाइनाइट करंट फिलामेंट हो तो दैट इज I/2 pi R12 होता है ना, तो यहाँ पे I I की जगह I1 हो जाएगा यहाँ पे अपना, यहाँ पर, ठीक है, और R12 जो है वो ये डिस्टेंस हो जाएगा अपना, दिस वन इज R12 डिस्टेंस हो गया है, R12 हो गया है ना, ये R12 डिस्टेंस हो गया, और AI क्या है हमारा, दैट इज टूवर्ड्स जेड डायरेक्शन, ये आपको बताया था डायरेक्शन निकालने के लिए हम AI क्रॉस AR12 उसका क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं, तो AI हमारा हो जाएगा यहाँ पे AZ हो गया, देखिए, ठीक है, और AR12 जो है, AR12 इधर है ना यूनिट वेक्टर, सो दैट इज AY, इधर AY हो गया, तो AY इधर ले लिया, सो दैट इज AZ क्रॉस AY, है ना, AY क्रॉस AZ AX होता है, बट AZ क्रॉस AY करेंगे तो माइनस AX होता है, तो ये माइनस साइन यहाँ आ गया, तो ये B जो है म्यू नॉट I1 2 पाई D X, इतना वहां पे ये प्रोड्यूस करेगा, ये जो I1 जो है ना, I1 इतना B प्रोड्यूस करेगा, B की वैल्यू यहाँ पे इतना ऐसा प्रोड्यूस होगा अपना। तो अब F2, I2, L2, L2 वेक्टर को इतना लेंगे, L2 अपन लेंथ ले लेते हैं, L2 AZ ले लिया है ना, तो L2 वेक्टर क्योंकि वो करंट है मेरा जेड डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, तो इसलिए L2AZ लिखा अपन L2 वेक्टर को, तो ये हो गया I2 L2 वेक्टर की वैल्यू क्रॉस प्रोडक्ट, फिर ये B की वैल्यू हम जो निकाले यहाँ से B की वैल्यू उसको वहां पुट कर देंगे, ठीक है, तो ये B की वैल्यू आपने यहाँ पुट कर दिया, फिर AZ क्रॉस, ये माइनस साइन है ना, तो AZ क्रॉस AX कितना होता है, AZ क्रॉस AX AY होता है ना, तो ये AY ही रहेगा यहाँ पे, और ये माइनस साइन को भी रखा हुआ है, तो आप देखेंगे कि ये माइनस साइन में है, और ये पूरा होल क्वांटिटी पॉजिटिव है, माइनस आ रहा है मतलब हमारा जो फोर्स लगेगा इधर AY है प्लस, है ना, इस तरफ, और जो है माइनस AY इधर है माइनस,
इस पे जो फोर्स लगेगा वो इस तरफ रहेगा, ऐसा टुवर्ड्स वाई डायरेक्शन। तो बोल सकते हो कि दोनों में अगर आई वन और आई टू सेम डायरेक्शन जेड डायरेक्शन में हो तो इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा इसमें, अगर दोनों का डायरेक्शन सेम हो है करंट तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो हम लोग जनरली फोर्स पर यूनिट लेंथ निकालते हैं, सो एफ टू वैक्टर मतलब वेक्टर फोर्स जो सेकंड पे लगेगा पर यूनिट लेंथ है ना, तो एल टू से डिवाइड कर दिया, सो दिस विल बी म्यू नॉट आई वन आई टू टू पाई डी। ये सब गेट वगैरह में इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं, दो इनफाइनाइट लेंथ कंडक्टर रखे हुए जिसमें करंट आई वन आई टू फ्लो हो रहा है, तो व्हाट विल बी द फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑन ईच कंडक्टर, तो दिस वैल्यू विल बी म्यू नॉट आई वन आई टू अपॉन टू पाई डी, दिस द डिस्टेंस बिटवीन देम एंड आई वन और आई टू करेंट ऑन देम। तो ये याद रखिएगा फोर्स पर यूनिट लेंथ, किसी पे भी निकालेंगे इतना ही आएगा, बट डायरेक्शन अलग होगा। ठीक है, फर्स्ट में निकालेंगे तो ये इधर आप निकालोगे तो वो टूवर्ड्स ए वाई आएगा, वो क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है यहाँ पे। तो ये हो गया आपका फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करेंट एलिमेंट है ना, इस पे न्यूमेरिकल आ चुके हैं पहले भी, और तीसरा भी रखा जा सकता है थर्ड, तो आप निकाल सकते हैं, फॉर्मूला हमारा यही रहेगा। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे थर्ड करेंट रख दिया इस तरह से, थर्ड करेंट आई थ्री, और ये भी इक्वी डिस्टेंस या डी जो भी रखा, जो भी डिस्टेंस दिया हो तो आप निकाल सकते हैं, यहाँ से फिर फर्दर डिस्टेंस आई थ्री रखा, तब क्या होगा, ये भी एक फील्ड प्रोड्यूस करेगा है ना, इसको बोल सकते हैं ये बी टू प्रोड्यूस करेगा, ये एक अपना फील्ड प्रोड्यूस करेगा बी वन प्रोड्यूस करेगा ऐसा। तो हमको टोटल फील्ड निकालना पड़ेगा फिर, बी इज इक्वल टू बी वन प्लस बी टू ऐसा। तो यहाँ पे जो ये बी रहेगा उसको ऐसा प्लेस कर देंगे, और जैसे आई थ्री पे निकालना हो हमको एफ थ्री पे है ना, इस पे फोर्स निकालना हो एफ थ्री पे, तो ये आई थ्री हो जाएगा हमारा यहाँ पे रिप्लेस, और ये फिर एल थ्री क्रॉस बी ऐसा, और ये जो मैग्नेटिक फील्ड रहेगा दैट विल बी प्रोड्यूस बाय बोथ आई वन एंड आई टू ऐसे करके। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं किसी पे भी फोर्स, नंबर ऑफ अगर करेंट दिए हो तो ये है फोर्स कैसे निकालना है, आप निकाल सकते हैं ये तरीके से। अब आगे चलते हैं, आप बाउंड्री कंडीशंस एग्जाम में जनरली पूछते हैं, रेट वगैरह में भी रहता है और CSV2 में तो रहता ही रहता है, इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक दोनों। तो इलेक्ट्रिक में मैंने नहीं बताया था बट कोशिश करूंगा आज उसको भी अपन कवर कर लेते हैं। तो बाउंड्री कंडीशन होती है, बाउंड्री कंडीशन का मतलब यह है कि दो मटेरियल है ना, सेपरेटेड बाई एक सरफेस है ना, जैसे यहाँ पे आप देखेंगे ये एक बाउंड्री सरफेस है, ये एक मैंने ड्रॉ किया है यहाँ पे, एक बाउंड्री सरफेस ऐसा है। ठीक है, ऊपर कोई और मटेरियल है, मतलब ये ऊपर है मटेरियल वन है, मैं ये बोल रहा हूँ इसके ऊपर, मतलब एक अलग लेयर है ऐसा, इसकी परमेबिलिटी व्यू वन है, कोई मैग्नेटिक मटेरियल है, और इसके नीचे इस सरफेस के नीचे मतलब क्या है, दूसरा मटेरियल है, सेकंड मटेरियल, सेकंड मटेरियल जिसकी परमेबिलिटी म्यू टू है ऐसा। तो ये क्या होंगे, दोनों को हमने सैंड मिला दिया, तो एक सरफेस है कॉमन सरफेस को वो क्या करेंगे, शेयर करेंगे, उसी को हम बाउंड्री सरफेस बोल रहे हैं। ठीक है, सो दिस इज अ बाउंड्री सरफेस। तो बाउंड्री सरफेस है वो शेयर्ड बाय मटेरियल वन एंड टू, मतलब इसके ऊपर वन है और इसके नीचे टू है सेकंड मटेरियल ऐसा। तो ये है बाउंड्री सरफेस हमारा जो इस तरह से दिखेगा, लेकिन क्या होता है कि बुक्स वगैरह में जब देखेंगे तो इसका ये वाला जो है सरफेस का ये वाला पार्ट देखते हैं एजेस को है ना, तो वो इस तरह से यहाँ पे ड्रा किया हुआ ऐसा, ये जो बाउंड्री है वो इस तरह से साइड व्यू बोल सकते हो है ना, हम अभी टॉप व्यू देख रहे हैं तो ऐसे दिखेगा टॉप व्यू में, साइड व्यू में अगर देखे तो साइड व्यू में जब देखे तो इस तरह से सरफेस दिखेगा ऐसा। तो ये बाउंड्री कंडीशन इसलिए जरूरी होता है कि जैसे सपोज है इसमें हमको परमेबिलिटी मालूम है ना, और इसी मीडियम में हमको जैसे मैग्नेटिक फील्ड मालूम है और इसका परमेबिलिटी मालूम है, तो हम यहाँ पे बी वगैरह बी निकाल सकते हैं, एच निकाल सकते हैं, इस तरह से कुछ पैरामीटर्स जो है हम निकाल सकते हैं, एज वेल एज इसकी डायरेक्शन, जैसे इसमें बी का डायरेक्शन ऐसे इंसिडेंट हो रहा है तो रिफ्रेक्ट होता है, तो इसमें व्हाट विल बी इन मीडियम वन उसका डायरेक्शन क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड का, तो ये पर्पस होता है उसका मैग्नेटिक बाउंड्री कंडीशन का लिखने का, उससे आप इजिली जो है एक मीडियम में प्रॉपर्टी मालूम है तो दूसरे मीडियम में आप निकाल सकते हैं फील्ड वगैरह, प्रोवाइडेड सर्टेन क्वांटिटी जैसे परमेबिलिटी मालूम है ना। तो यहाँ पे हम बोल रहे हैं मैग्नेटिक बाउंड्री कंडीशन, दो बाउंड्री कंडीशन है जो लिखा जाता है कि बी एन वन इज इक्वल टू बी एन टू, मतलब नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इक्वल होते हैं सरफेसेस पे, यहाँ पर इस पे ये जो सरफेस दिए हैं इस सरफेस पे जस्ट अबव और जस्ट बिलो, मतलब इन मीडियम वन एंड मीडियम टू, तो
अगर नॉर्मल कंपोनेंट इधर ऊपर की तरफ BN1 है यहाँ पे फर्स्ट मीडियम में, और इधर से BN2 है ना, तो BN1 और BN2 इक्वल होते हैं, BN1 और BN2 इक्वल होते हैं, ठीक है। मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी H नहीं, B फ्लक्स डेंसिटी का, ठीक है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की नॉर्मल वैल्यूज इक्वल होते हैं, याद रखिएगा, और मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का टेंजेंशियल कंपोनेंट इक्वल होता है ना। ये नॉर्मल कंपोनेंट होता है, टेंजेंशियल मतलब टूअर्ड सरफेस, ये टूअर्ड सरफेस, ये टेंजेंशियल कंपोनेंट होता है ऐसा, और ये ऊपर जाते हैं तो ये नॉर्मल कंपोनेंट होता है ना, ये टेंजेंशियल होता है टूअर्ड सरफेस ऐसा। तो सरफेस कैसे परपेंडिकुलर में जाएंगे तो ये नॉर्मल कंपोनेंट हुआ ऐसा, याद रखिएगा। और ऐसे टूअर्ड सरफेस जा रहे हैं ऐसे, तो दिस इज टेंजेंशियल कंपोनेंट। तो ये बोल रहा है कि टेंजेंशियल कंपोनेंट मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एच का इक्वल होगा, बट नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का होता है। इस प्रॉपर्टी को यूज करके आप निकाल सकते हो, जैसे फॉर एग्जांपल मीडियम आपको जो है BN1 है, इसमें इस इधर medium 1 में है, medium 1 में है, यहाँ पे आप देख सकते हैं जिसकी परमिबिलिटी μ1 और μ2 ऐसे लिए। तो सबसे पहले हम इसको डिराइव कर लेते हैं ना, ये कंडीशन डिराइव करने आता है, 7 मार्क का क्वेश्चन आता था पहले, अभी तो अब 8 और 4 का पैटर्न रहेगा, तो 8 मार्क का क्वेश्चन बन सकता है ये, ठीक है। तो ये आपको और ध्यान रखना है। तो BN1 फर्स्ट कंडीशन हो गया, और HT1 इज इक्वल टू HT2, मतलब टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटीज वो इक्वल होते हैं, और नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ जो है आपका मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी वो इक्वल होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम बाउंड्री कंडीशन ये प्रूफ करना है, स्टेट एंड प्रूव मैग्नेटिक बाउंड्री कंडीशन, ऐसे क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। तो ये लिखना है अपने को, ये दो बाउंड्रीज होती हैं, वन वन एंड दिस इज सेकंड बाउंड्री कंडीशन, दो बाउंड्री कंडीशन, ठीक है। मतलब दो डिफरेंट डिफरेंट मीडियम है, एक बाउंड्री सरफेस को शेयर कर रहे हैं, तो सरफेस पे क्या लिखोगे आप, सरफेस पे क्या लिखोगे, तो सरफेस पे वैल्यू इस तरह से आप लिखोगे ऐसा ऐसा है नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे उसको प्रूव करने के लिए ये देखिएगा, एक सरफेस है इधर ऊपर में medium 1 है, और इधर नीचे में अनदर मीडियम है 2, जिसकी परमेबिलिटी μ2 है, इसकी μ1 है, μ1 को μ0 μr1 ऐसा लिख सकते हैं, μ2 को μ0 μr2 ऐसा लिख सकते हैं ना, μr जो रिलेटिव परमेबिलिटी रहेगा ऐसा। तो ये medium 1 हो गया और ये medium 2 हो गया, ठीक है। तो अलग अलग निकालते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं नॉर्मल कंपोनेंट के लिए। तो नॉर्मल कंपोनेंट के लिए हम निकालने जा रहे हैं, तो वी कम टू फर्स्ट फॉरवर्ड नॉर्मल कंपोनेंट के लिए, ठीक है। तो नॉर्मल कंपोनेंट के लिए हम निकालेंगे, तो BN1 इज इक्वल टू BN2, नॉर्मल कंपोनेंट मतलब अगर हम इसको अप्लाई करेंगे तो इसको μ1 बीज μ होता है ना, तो μ1 HN1 ऐसा करके लिखेंगे, एंड दैट इज इक्वल टू μ2 HN2 ऐसा लिखना पड़ेगा। मतलब क्या हुआ कि H का नॉर्मल कंपोनेंट इक्वल नहीं हुआ, बिकॉज हियर μ2 और μ1 है, बट फ्लक्स डेंसिटी, तो इसका मतलब होता है कि ये कंटिन्यूअस नहीं होते है ना, जैसे ये 1 एम्पियर पर मीटर है ये वैल्यू इसका H का आपका सेकंड मीडियम में, और ये 10 है, तो और ये 1 ले लेता हूँ मैं है ना, तो ये आपका 10 टाइम्स आ जाएगा, मतलब अब्रप्ट चेंज मिलेगा यहाँ पे, इसका अब्रप्ट चेंज मिलेगा आपका नॉर्मल कंपोनेंट की वैल्यू, लेकिन ये स्मूथ चेंज होगा ऐसा। तो ये डिसकंटिन्यूटी शो करता है, तो हम बोल सकते हैं कि सरफेस पे जो है नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ बी आर कंटिन्यूअस, मतलब आराम से स्मूथली जितना जस्ट बिलो जस्ट अबव उतना ही रहेगा सरफेस का, लेकिन अब्रप्ट चेंजेस मिलता है डिसकंटिन्यूटी फॉर व्हाट, नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ एच वैल्यू के लिए ऐसा है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना चाहिए, कंक्लूजन याद होना चाहिए ये चीज आपको, ठीक है। तो इसको प्रूफ करना है, नॉर्मल कंपोनेंट्स BN1 इज इक्वल टू BN2 कैसे प्रूफ करते हैं, तो प्रूफ करते हैं हम लोग कैसे प्रूफ करते हैं, उसके लिए हम जो है गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटोस्टैटिक अप्लाई करते हैं। ये क्या कहता है, इलेक्ट मैग्नेटिक फ्लक्स इमर्जिंग थ्रू अ क्लोज सरफेस इज इक्वल टू जीरो है ना, इज इक्वल टू जीरो। तो क्या करना है, यहाँ पे एक क्लोज सरफेस लेना है जो कि चौक रहता है सिलेंड्रिकल शेप में, पील बॉक्स जैसा, ऐसा एक छोटा सा पील बॉक्स लेना है सिलेंड्रिकल में ऐसा, ये देखिए ये जो दिखा रहा हूं मैं, ऐसा एक पील बॉक्स लेना है परपेंडिकुलर टू सरफेस ऐसा, ये परपेंडिकुलर टू सरफेस मतलब यहाँ पे एक इस तरह से हाफ पोर्शन अबव है
और इस तरह से ये जो सरफेस है उसमें, और उसके जस्ट नीचे, फिर नीचे है ना, नीचे की तरफ, ऐसा नीचे की तरफ, नीचे ऐसा लेंगे तो ये नीचे की तरफ ऐसा आपको दिखते हुए, ऐसा नीचे की तरफ ऐसा, तो ये सरफेस है, ये हमारा यहाँ पे ये सरफेस है, ये वाला पार्ट शो हो रहा है यहाँ पे ऐसा सरफेस, तो ये ऊपर की तरफ हो गया जिसका ये एरिया है डेल एस लिए हैं अपन, है ना, क्रॉस सेक्शनल एरिया डेल एस है, तो जैसे हमने कहा ये ऊपर की तरफ बी एन वन है मीडियम वन में मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की वैल्यू, और इधर नीचे से ऊपर की तरफ बी एन टू है और इधर बी एन वन है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स है ना क्लोज सरफेस में, हमने आपको बताया था इट इज ऑलवेज जीरो मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस, तो क्लोज सरफेस पे जो आएगा दैट विल बी इक्वल टू जीरो होता है, ये हमने पहले ही आपको बता चुका हूँ कि मैग्नेटिक फ्लक्स इमर्जिंग थ्रू अ क्लोज सरफेस इज ऑलवेज जीरो, ठीक है, तो ये जो क्लोज सरफेस है जो कि हम यहाँ पे सिलेंडर एक बनाए हैं, पील बॉक्स जो बोल रहे हैं सिलेंडर है, उसको हम तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, सो क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ बी इज वन, ओपन सरफेस इंटीग्रेशन आप बी एट टॉप सरफेस है ना, तो ये टॉप हो गया, देन फिर बॉटम, ये टॉप हो गया, देन फिर बॉटम, ये बॉटम हो गया हमारा, ठीक है, बॉटम के लिए तो दिस इज बॉटम, बॉटम पे प्लस फिर ये कर्ड, कर्ड सरफेस पे आ जाते हैं, ये वाला कर्ड सरफेस है मेरा, तो तीन सरफेस ओपन है ना, कर्ड ओपन सरफेस टॉप और बॉटम मिलके एक क्लोज सरफेस दे रहे हैं, ठीक है, उस पर हमारा ये जीरो रहेगा ऐसा, तो हम अभी नॉर्मल कंपोनेंट की बात कर रहे हैं, तो हम धीरे धीरे देखते हैं अब क्या है, ये जैसे हम इधर नॉर्मल कंपोनेंट हमारा ऊपर की तरफ है और यहाँ पे जो कर्ड सरफेस है, कर्ड में आते हैं हम लोग, कर्ड में तो इसका जो डीएस वेक्टर है पॉइंट आउट करता है परपेंडिकुलर टू दिस है ना, याद रखिएगा, अगर मैं इसको सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में लेता हूँ तो ये आपको एरो डायरेक्शन में मिलेगा ऐसा है, और एस की वैल्यू ठीक है, और हम जो वैल्यू ले रहे हैं बी की वैल्यू वो टूवर्ड जेड डायरेक्शन, तो ये परपेंडिकुलर रहेगा ऐसा, तो बी डॉट डी एस सिंपली जीरो हो जाएगा, तो इसलिए कर्ड वाला जो पार्ट है हमारा, ये जो पार्ट है वो ऑलरेडी जीरो वैल्यू देगा आपको, अब आपको टॉप और बॉटम करना है, तो टॉप के लिए आते हैं, टॉप के लिए जब आप करेंगे तो टॉप में क्या है इसकी वैल्यू एक बहुत छोटा सा लिया है ना, एकदम छोटा सा पिल बॉक्स जो है वो, तो इसमें हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो वैल्यू है बी एन वन और ऊपर की तरफ है ना, तो ऊपर की तरफ सपोज इसको आप ए जेड लेते हैं तो बी एन वन ए जेड लिखेंगे, और डेल एस ये जो एस वेक्टर है डी एस वेक्टर इसको डेल एस ए जेड लिखेंगे है ना, तो आपका ए जेड डॉट ए जेड वन हो जाएगा, मतलब ये बेसिकली बी एन वन इंटू डेल एस करके आएगा ये, ठीक है, यहाँ पर तो ये अभी ए जेड की जगह इसको आप ए एन ऐसा जो भी है नॉर्मल लिख दिया है मैंने, तो आप जो है बी एन वन एन और डी एस वेक्टर डेल एस एन ऐसा करके लिख सकते हैं, तो एन डॉट एन या ए जेड डॉट ए जेड इज वन ऐसा करके आप लिख सकते हो, ठीक है, तो ये हो गया टॉप के लिए, तो टॉप वैल्यू आ गया आपके पास बी एन वन डेल एस, अब बॉटम में आते हैं, तो बॉटम में बी की वैल्यू हम ऊपर ले रहे हैं ना, लेकिन आपको मैंने बताया था कि जैसे टॉप सरफेस ऊपर की तरफ है तो ये नीचे की तरफ पॉइंट आउट करेगा माइनस एन ऐसा करके है ना, तो आप यहाँ पे जब अप्लाई करोगे तो ये बी एन टू एन ऊपर लिखोगे, और यहाँ पे जो है एस वेक्टर है जो है डेल एस माइनस एन करके लिखोगे ऐसा, तो उसका डॉट प्रोडक्ट लोगे, तो ये एन डॉट एन वन हो जाएगा बट यहाँ माइनस आएगा, तो ये जो वैल्यूज है आपके पास जो है ये वैल्यू जो है आपको मिलेगा माइनस करके मिलेगा, ठीक है, तो दिस वैल्यू इज बी एन टू माइनस डेल एस, ठीक है, तो हम आ जाते हैं आप टोटल जो लिख रहे हैं यहाँ पे, सो बी डॉट डी एस वैल्यू जो मिलेगा उसकी वैल्यू कितनी आई, सो ये आ गया आपके पास बी एन वन डेल एस प्लस बी एन टू माइनस डेल एस दैट इज इक्वल टू जीरो है ना, तो आप इसको बी एन वन माइनस बी एन टू डेल एस जीरो लिख सकते हैं, सो बी एन वन इज इक्वल टू आप बी एन टू करके लिख सकते हो इसको, बी एन वन इज इक्वल टू बी एन टू, तो ये वेक्टर वाइज भी आप लिख सकते हो, तो ये हमने प्रूव कर दिया फर्स्ट, ठीक है, तो ये कहता है नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटीज आर इक्वल है ना, मतलब यहाँ पे जस्ट अबव और जस्ट बिलो ये जो है बी एन वन इज इक्वल टू बी एन टू होगा ऐसा सरफेस पे ठीक है, तो ये आप ध्यान दीजिए, अब आते हैं हम लोग, तो ये फर्स्ट प्रूव कर लिया नॉर्मल कंपोनेंट के लिए, अब आते हैं हम लोग जो है नेक्स्ट है वो टेंजेंशियल कंपोनेंट के लिए, टेंजेंशियल है ना, टेंजेंशियल कंपोनेंट के लिए, तो ये टेंजेंशियल कंपोनेंट है मतलब जस्ट अबव ऐसा, ये टेंजेंशियल कंपोनेंट है ऐसा एच टी वन अबव, ये मीडियम वन है ये मीडियम टू है, दोनों एक ये सरफेस को शेयर कर रहे हैं, वो शेयर ही जो है बाउंड्री सरफेस है वो हमने इस पे दिखाया है ये वाला जो सरफेस है ठीक है, तो एच टी टू ऐसा नीचे है, तो
तो यहाँ पे जो दिखाया जा रहा है आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो है HT1 है और ये HT2 है। ये HT1 मीडियम वन में है, अगेन ये मीडियम वन है, ये मीडियम टू है, उस परमेबिलिटी दिस इज μ1 एंड दिस इज μ2 है, ठीक है। तो हमको प्रूव करना है HT1 इज इक्वल टू HT2 होता है करके, है ना, HT1 इज इक्वल टू HT2 होता है करके, दैट वी हैव टू प्रूव इट, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना है, हम अप्लाई करते हैं एम्पियर्स लॉ को, एम्पियर्स रिटर लॉ, एच डॉट डी एल, इसका क्लोज पाथ इंटीग्रेशन दैट गिव्स यू आई, है ना। तो हम एक क्लोज पाथ ले रहे हैं जो इस सरफेस को भी कवर करता हो। तो ये देखिएगा, ये जो पाथ है हम पाथ है ये जो ए बी सी डी है ना, एक परपेंडिकुलर प्लेन में ले रहे हैं, तो ये इस तरह से ऐसा ये पाथ है जो ऐसा इस तरह से, ये हाफ ऊपर है और हाफ नीचे है ऐसा इस तरह से, ठीक है। तो इसका जो लेंथ है ये ए टू बी, ये ए है ये बी है, इसका जो लेंथ है डेल एल है ऐसा, ठीक है, और ये सी हो गया, ये डी हो गया, और इसका जो हाइट है वो अपन ने लिया है डेल एच, मतलब यहाँ से यहाँ तक डेल एच है और यहाँ से यहाँ तक डेल एल है ऐसा। तो एक पाथ ले लिया, क्लोज पाथ, तो ए टू बी, बी टू सी, सी टू डी ऐसा। तो इस पे हम एम्पियर्स लॉ अप्लाई करना चाह रहे हैं, ओवर ए क्लोज पाथ, ये ओवर ए क्लोज पाथ है ना, ऐसा एक ओवर ए क्लोज पाथ, उस इस क्लोज पाथ में एच का हम इंटीग्रेशन कैलकुलेट करना चाह रहे हैं ऐसा। तो ये पार्ट है यहाँ पे किया गया है। तो एच डॉट डी एल को हम फोर ओपन पाथ में बांट सकते हैं, ए टू बी है ना, ए टू बी, ए टू बी करके ऐसा। तो ए टू बी लिखा है यहाँ पे देखिए, फिर बी टू सी, बी टू सी यहाँ से यहाँ तक, फिर सी टू डी, सी टू डी ऐसा, एंड डी टू ए। कैसा लेना है आपको, ये जो परपेंडिकुलर, ये हाफ ऊपर रहे और हाफ नीचे रहे, मतलब एक मीडियम वन में रहे, मटेरियल वन में, और दूसरा मटेरियल टू में रहे, ऐसा एक परपेंडिकुलर पाथ लेना है, ठीक है। तो ये इस तरह से हमने पाथ लिया है जिसका प्लेन, ये इसका प्लेन हो गया, तो ये इसका प्लेन और ये जो आप सरफेस है बाउंड्री, दोनों परपेंडिकुलर है ऐसा 90 डिग्री से, है ना, याद रखिएगा 90 डिग्री है, इस तरह से लेना है। तो ये साइड व्यू है, उसमें हम देख रहे हैं, ठीक है। तो हम वन बाय वन कैलकुलेट करते हैं, ए टू बी कितना होगा, ऐसा जो पाथ ले रहे थे ए टू बी वो कितना होगा ऐसा, ठीक है, ए टू बी, ए टू बी। तो ए टू बी जब लोगे आप, तो ये इधर एच टी वन था, इसी डायरेक्शन में है हमारा एच टी वन, और ए टू बी जिसमें आप डी एल वैक्टर, डी एल वैक्टर क्या हो जाएगा, डी डेल एल, और इधर जो है यूनिट वेक्टर है ना, तो दोनों का डायरेक्शन सेम हो गया, मतलब सिंपली क्या हो गया, ये एच टी वन डेल एल करके आएगा, ए टू बी जो है ना, ए टू बी की वैल्यू, इंटीग्रेशन वैल्यू आप दिस इज ये आ जाएगा। अब आप बी टू सी जाएंगे है ना, बी टू सी, तो बी टू सी जाएंगे तो क्या है, मैं जनरली मेरा है जो वैल्यूज है ये देखिएगा, पाथ मैं ऐसे जा रहा हूँ और एच टेंजेंशियल ऐसा है एच टी वन है ना, वे परपेंडिकुलर होंगे, मतलब एच और जो पाथ है लेंथ वो परपेंडिकुलर है, तो वो जीरो हो जाएंगे। तो ये सेम हम कह सकते हैं बी टू सी और डी टू ए दोनों के लिए है ना, तो ये हमारा ये जीरो आ गया है। तो इस ये वाला जो पाथ है बी टू सी और डी टू ए, ये हमारा जीरो आएगा, ठीक है। अब आते हैं हम लोग सी टू डी, यहाँ सी टू डी के लिए मीडियम टू में है ना, मीडियम टू है ये, मीडियम टू एंड दिस इज मीडियम वन, मीडियम वन में आते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि इधर एच टी टू है, एच टी टू, ठीक है, और डी एल वन डी एल वेक्टर इधर जा रहा है, मतलब माइनस करके लेंगे हम लोग है ना, जस्ट अपोजिट है, तो ये माइनस करके आएगा ऐसा। तो इसमें फिर आप पुट कर दीजिए वैल्यू, ठीक है, सो दैट इज इक्वल टू वाई, तो ये आ जाएगा एच टी वन माइनस एच टी टू डेल एल दैट इज इक्वल टू आई, ये एम्पियर्स लॉ हो जाएगा यहाँ पे इस क्लोज पाथ में। जैसे हम, तो ये सपोज है जो करंट है इसके थ्रू जो जा रहा है ऐसा, दैट इज इक्वल टू आई है ना, ये जो पाथ है ये सपोज टोटल करंट आई इनक्लोज कर रहा है ऐसा, आई इनक्लोज कर रहा है, तो हम इसको ऐसा लिखेंगे। तो यहाँ पे एच टी वन माइनस एच टी टू इज इक्वल टू आई बाई डेल एल, तो ये आ जाता है के। सो बेसिकली एक्चुअल में जो बाउंड्री कंडीशन होता है एच टी वन माइनस एच टी टू इज इक्वल टू के करके होता है, लेकिन जनरली सोर्स फ्री रीजन होता है वहां पर के जीरो हो जाएगा। मतलब आपको मैंने कहा था कि जैसे इस तरह से एक अपन लेते हैं है ना, तो इसके क्रॉस जो जाता है के, सीट सीट डेंसिटी जो डिफाइन करते हैं, ये जो लेंथ है डीएल है, सो आई डिवाइडेड बाई डीएल करके, सो के इज इक्वल टू आई डिवाइडेड बाई डीएल करते हैं ना हम लोग ऐसा, डीएल या डेल एल ऐसा। तो ये करंट शीट के टर्म में आता है,
तो करेंट, अगर कोई करेंट नहीं है वहां पे, है ना, अगर जो है बाउंड्री पे कोई करेंट फ्लो नहीं हो रही है, तो उस केस में के जीरो लिख देते हैं हम लोग। तो उस केस में एच टी वन इज इक्वल टू एच टी टू आ जाता है। तो ये इफ केस जीरो मतलब बाउंड्री सोर्स फ्री, सो उस केस में के जीरो हो जाएगा, तो एच टी वन माइनस एच टी टू इज इक्वल टू जीरो, सो दैट इज एच टी वन इज इक्वल टू एच टी टू आ जाता है। अदरवाइज आप ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको बताने का पर्पस ये था कि एच इधर रहता है, ऐसा टेंजेंशियल कंपोनेंट हो गया, ठीक है, और जो मेरा यहाँ पे देखेंगे करंट है वो ऐसे अंदर करंट है उसको ऐसे इस तरह से जाता है ऐसे, तो इसलिए जो है यहाँ पे, और हमें जो मिल रहा है सीट करंट डेंसिटी के इज इक्वल टू आई बाई एल जो है, तो उसको अगर वेक्टर वाइज लिखना है, अगर वेक्टर वाइज है ना, देखिए डायरेक्शन के साथ, तो एच टी वन माइनस एच टू वेक्टर, तो एन वन टू का के वेक्टर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट। एन वन टू क्या है, यूनिट वेक्टर फ्रॉम वन टू टू, ये यूनिट वेक्टर होते हैं, तो इसको हम लोग वेक्टर वाइज ऐसा लिखते हैं, ठीक है। अगर वेक्टर वाइज नहीं लिखना हो तो सिंपली एच टी वन माइनस एच टी टू इज इक्वल टू के लिखते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे वेक्टर वाइज लिखा गया क्योंकि सबका डायरेक्शन अलग अलग होता है। तो अगर ये हम प्रॉपर एन वन टू क्रॉस प्रोडक्ट इसको लेते हैं, तो तब वो वैल्यू वैल्यू आता है, मतलब ये ऐसे है और उसका क्रॉस प्रोडक्ट दैट गिव्स द वैल्यू, उसके परपेंडिकुलर में आई जो जाता है ऐसा, इस तरह से, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये दोनों डिराइव कर लिया आपने, बी एन वन इज इक्वल टू बी एन टू एंड एच टी वन इज इक्वल टू एच टी टू। तो टेंजेंशियल कंपोनेंट होता है, टेंजेंशियल कंपोनेंट होता है, जो टेंजेंशियल कंपोनेंट होता है वो इक्वल होते हैं मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एच का। तो ये बात को आपको ध्यान रखना है। तो दिस आर द टू, ये गेट वगैरह में भी पूछेंगे आपसे, ठीक है, याद रखिएगा, गेट वगैरह में पूछा जाएगा, ऑप्शन रहेंगे बहुत सारे कि बी जो है बी टी वन इज इक्वल टू बी टी टू होता क्या, अच्छा नहीं, बी एन वन इज इक्वल टू बी एन टू और एच टी वन इज इक्वल टू ए टी टू, और एच टी टू जो करेक्ट करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो ये रहेगा, ठीक है। अब आते हैं हम लोग, ये तो हो गया मैग्नेटिक के लिए। अब इलेक्ट्रिक बाउंड्री कंडीशन मतलब इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रोस्टेटिक के केस में, जिसमें दो डायलेक्ट्रिक मीडियम है, अभी क्या मैग्नेटिक मीडियम में बात कर रहे थे, ये मुझे डिस्कस करना था यूनिट नंबर टू में, लेकिन क्या है उस समय मैंने छोड़ दिया था कि एक साथ बताएंगे करके, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक बाउंड्री कंडीशन है, जैसे यहाँ पे मैग्नेटिक बाउंड्री कंडीशन है, उसी तरीके से इलेक्ट्रिक बाउंड्री कंडीशन होता है डी एन वन माइनस डी एन टू इज इक्वल टू रो एस, है ना, मतलब दो मीडियम है अपने पास, मीडियम वन और मीडियम टू, मीडियम टू, ठीक है। मीडियम वन का जो डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट है एप्सिलॉन वन, मीडियम टू का है एप्सिलॉन टू। तो यहाँ पे देखिएगा, ये ऊपर में मीडियम वन है और मीडियम टू है, ये एक बाउंड्री को शेयर कर रहे हैं, ये इस बाउंड्री को मैं ऐसा शो कर रहा हूँ, ये उसकी बाउंड्री है ऐसा शो कर रहे हैं। तो ऊपर में मीडियम वन है ऐसा, और इधर मीडियम टू है नीचे में ऐसा, जिसकी डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट एप्सिलॉन टू है और ऊपर में एप्सिलॉन वन है ऐसा। तो ये चीज को यहाँ पे हम शो कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सरफेस पे क्या लिखोगे, तो सरफेस पे बोल रहा है कि इस तरफ वन है इस तरफ टू है वैल्यूज, तो ये नॉर्मल कंपोनेंट, ये नॉर्मल कंपोनेंट है ऐसा। तो ये कह रहा है कि डी एन वन ऊपर है इधर, डी एन वन मीडियम वन में और मीडियम टू में जो डी एन टू है, ये दोनों का जो डिफरेंस है इस पे सरफेस पे जो चार्ज डेंसिटी है उसके बराबर रहता है ऐसा। तो डी एन वन माइनस डी एन टू इज इक्वल टू रो एस, ऐसा जो सरफेस है जो चार्ज डेंसिटी कूलम पर मीटर इसको रहेगा उसके बराबर में, अगर ये जीरो है तो फिर इक्वल आ जाएगा, तो उस केस में डी एन वन इज इक्वल टू डी एन टू आता है, ठीक है। तो सोर्स फ्री रीजन है तो डी एन वन इज इक्वल टू डी एन टू, ये आपका आ जाएगा। तो इसमें भी प्रूफ करने आता है, ठीक है। और उसी तरीके से फिर इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, जब डायलेक्ट्रिक मटेरियल की बात होगी तो डी और ई के टर्म में बात करेंगे, मैग्नेटिक मटेरियल की बात होगी तो बी और एच के टर्म में बात करेंगे, ठीक है। तो अब हम जो है निकालते हैं बाउंड्री कंडीशन फॉर नॉर्मल कंपोनेंट, इसको प्रूफ करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो अगेन एक इसके परपेंडिकुलर में एक अगेन एक ऐसा हम हाफ अबव हाफ बिलो इस तरह से एक चौक जैसे देखते हैं, सिलेंड्रिकल शेप का पिल बॉक्स लेते हैं, है ना, एक गॉसियन सरफेस लेते हैं जिसका एरिया क्रॉस सेक्शन यहाँ पे डेल एस है, ऊपर ऊपर की तरफ फर्स्ट मीडियम में नॉर्मल कंपोनेंट डी एन वन है, नीचे डी एन टू है, ठीक है। तो अब ये क्या अप्लाई करना है हमको, यहाँ पे अप्लाई करेंगे गॉस लॉ, डी डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू, मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स एमिनेटिंग थ्रू दिस सरफेस क्लोज सरफेस इज इक्वल टू क्यू, है ना,
तो ये अप्लाई कर रहा है। आप देखेंगे अगर ये जो डी का क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन है तो वो अगेन ये टॉप हो जाएगा सरफेस, इधर बॉटम हो जाएगा, नीचे ये वाला जो सरफेस रहेगा ये नीचे बॉटम और ये कर्व सरफेस ऐसा, तो ये तीनों मिलके एक क्लोज सरफेस बनाएंगे, तीन ओपन सरफेस टॉप जो है फिर ये कर्व बॉटम ऐसा करके, ठीक है। तो आप जो देख रहे हैं यहाँ पर टॉप बॉटम और कर्व ऐसा करके ये बनेगा, ठीक है। तो इसको हम लोग वन बाय वन करते हैं, कर्व में आते हैं। तो कर्व में क्या होता है, ये जो कर्व सरफेस है इसकी हम बात कर रहे हैं, कर्व सरफेस में ऐसा, तो ये डी जो है नॉर्मल ऊपर रहेगा और डी एस जो है ऐसे रहेगा, तो बोथ आर परपेंडिकुलर 90 डिग्री है ना, तो डी डॉट डी एस जीरो आ जाएगा। तो इस केस में ये जीरो आ गया कर्ड के लिए, ठीक है। अब ऊपर वाले में करेंगे तो ऊपर वाले के लिए जब जैसे ही आए तो इधर डी एन वन है और उसी डायरेक्शन में डेल एस भी है ना, तो डी एन वन ए एन बोल सकते हैं और डेल एस ए एन डॉट प्रोडक्ट है, तो डी एन वन डेल एस करके आएगा, तो ये टॉप में ऐसे आ जाएगा, ठीक है। बॉटम में आएंगे तो अगेन बॉटम में डी एन बॉटम वाले में जैसे यहाँ है तो ये ऊपर डी एन टू है ऊपर की तरफ है ना, और डेल एस है नीचे की तरफ है ऐसा, डेल एस वेक्टर जो है तो नीचे की तरफ करेंगे तो माइनस करके आ जाएगा, ठीक है। तो माइनस करके आ जाएगा मतलब ये टू और ऊपर ए एन लेते हैं अगर हम तो नीचे माइनस ए एन लेंगे ऐसा। तो यहाँ पे जो है डी एस वैक्टर है बॉटम वाले के लिए अगर आप लोगे तो दैट इज डेल एस माइनस ए एन ऐसे करके आएगा, तो वो बेसिकली माइनस में देगा। तो आपके पास बच गया जब आप अप्लाई करोगे इसको ग्रास ला में तो ये बचेगा मेरे पास ऐसा, ठीक है। ये टॉप सरफेस के लिए जो वैल्यू है डी का सरफेस इंटीग्रेशन, कर्व के लिए जीरो हो गया और बॉटम के लिए इतना, दैट इज इक्वल टू क्यू। तो ये बोल रहा है क्यू कितना इंक्लोज कर रहा है चार्ज क्यू है ना, ये जो लिया था अपन ने यहाँ पे पिल बॉक्स जो लिया था, सपोज ये क्यू चार्ज को इंक्लोज कर रहा है, तो यहाँ पे जैसे मैंने कहा रो एस चार्ज डेंसिटी है उसका चार्ज पर यूनिट एरिया, तो एरिया यहाँ पे क्या है डेल एस है, तो टोटल चार्ज क्यू इज इक्वल टू रो एस डेल एस करेंगे तो आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप डेल एस कैंसिल हो जाएगा ऐसे और डी एन वन माइनस डी एन टू इज इक्वल टू रो एस आ जाएगा। सो डी एन माइनस डी एन टू इज इक्वल टू रो एस इफ रो एस इज जीरो, मतलब यहाँ पे अगर कोई सरफेस चार्जेस नहीं है तो दैट इज इक्वल टू, याद रखिएगा ये जो हम जो रो एस रो वी ये सब जो बात करते हैं ना, ये सब फ्री फ्री चार्जेस लेते हैं, फ्री चार्ज, फ्री फ्री का मतलब होता है बाउंड। तीन टाइप के चार्ज होते हैं हमेशा मटेरियल में, याद रखिएगा। एक तो होता है फ्री, जैसे इलेक्ट्रॉन होते हैं ना मेटल में, वो फ्री होते हैं, एक पर्टिकुलर एटम को बिलोंग नहीं करते, उसको फ्री बोलते हैं हम लोग, ठीक है। तो ऐसे फ्री चार्जेस नहीं होते डायलेक्ट्रिक मीडियम में, अनलेस अनटिल डेलिबरेटली हम वहां पे पुट किए हो, तो मोस्टली रोएस जीरो होता है, यहाँ पे रोएस जो है वो जीरो होता है। और एक होता है जो बाउंड चार्जेस है ना, बाउंड चार्जेस, बाउंड चार्जेस बोलते हैं है ना, जैसे एक न्यूट्रल एटम है तो वो उसमें बाउंड चार्जेस है, चार्ज होता है उसमें, लेकिन जितना पॉजिटिव होता है उतना नेगेटिव होता है। लेकिन अगर जैसे उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिए तो जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस का जो डिफरेंस आ जाता है, एक डायपोल क्रिएट होता है ना, तो उसकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है, वो डायपोल क्रिएट होता है तो अपने आप में एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, न्यूट्रल एटम नहीं करता कोई इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर प्रोड्यूस, लेकिन जैसे ही उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में प्रोड्यूस करोगे एक डायपोल क्रिएट होता है, वो भी अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, तो वो बोलते हैं उसको बाउंड चार्जेस। अब उसको जैसे किसी प्लेट के बीच में रख दिया डायलेक्ट्रिक मटेरियल को, तो वो क्या करता है, डायलेक्ट्रिक मटेरियल भी प्लेट में कुछ इंड्यूस करते हैं, तो इस तरह से इंड्यूस चार्ज बाउंड चार्ज ऐसे करके मिलेंगे आपको है ना, फ्री चार्ज। तो टोटल चार्ज होता है हमेशा आपको जो है बाउंड चार्ज प्लस फ्री चार्ज ऐसा करके लिखते हैं हम लोग, टोटल चार्ज जो होता है ऑन प्लेट है ना, टोटल चार्ज ऑन प्लेट जो रहेगा वो। तो इस तरह से आप हम तीन तरह की बात करते हैं हम लोग, जो है बाउंड चार्ज और फ्री चार्ज, ठीक है। तो जो पोलराइजेशन फेनोमेना, मैग्नेटाइजेशन जो फेनोमेना होता है, इट इज रिलेटेड टू व्हाट, बाउंड चार्जेस जो होते हैं उससे होते हैं रिलेटेड वो, ठीक है, याद रखिएगा। और जो कंडक्शन फेनोमेना होता है, करेंट वैल्यू ये सब जो बोलते हैं, दैट इज फ्री चार्ज, फ्री चार्ज से होते हैं, फ्री चार्ज। तो हमेशा तीन टाइप का चार्ज याद रखना आपको, ठीक है। ना जैसे आप देखेंगे डी एक डिफाइन करते हैं, ई डिफाइन करते हैं ना ऐसा, डी ई देखिए, और एक पोलराइजेशन, पोलराइजेशन तो जो पोलराइजेशन होता है ये बाउंड चार्जेस से रिलेटेड रहता है, ये बाउंड चार्जेस,
ऐसा पोलराइजेशन जो फेनामेना होता है ऐसा, ठीक है। ये जो रहता है डी, दैट इज फ्री चार्ज से रहता है, ऐसा जो लिखते हैं ना हम लोग, डाइवर्जेंस डी इज इक्वल टू रो वी, ये फ्री चार्ज रहता है, फ्री चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम ऐसा उस पे रहता है ये। और ई जो रहता है वो टोटल पे रहता है, टोटल टोटल पे रहता है, टोटल टोटल चार्ज पे डिपेंड करता है ऐसा। तो ये ऐसा भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकता है गेट में, इज रिलेटेड विथ वॉट चार्ज, जो टोटल चार्ज होता है उससे, डीज रिलेटेड विथ वॉट फ्री चार्ज, पोलराइजेशन इज रिलेटेड टू वॉट बाउंड चार्जेस, ऐसा याद रखना है इस चीज को, क्योंकि अभी आपने पोलराइजेशन पढ़ा नहीं है इसलिए थोड़ा सा वो समझने में दिक्कत है, लेकिन आप उसको याद रखिएगा कि पोलराइजेशन जो है बेसिकली क्या होता है, मैं पोलराइजेशन थोड़ा सा बता देता हूँ। जैसे एक न्यूट्रल एटम है ना, ऐसा एक देखिए, तो इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, जैसे हीलियम आर्गन कोई भी एक एटम लेता है ना, तो इसका पॉजिटिव और नेगेटिव एक पॉइंट पर कॉन्साइड करता है जब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। लेकिन जैसे ही हम इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस कर देते हैं तो अपोजिट लगेगा, प्लस इधर लगेगा और माइनस ऐसा, तो यहाँ पे एक डायपोल क्रिएट हो जाता है, डिस्टेंस डी से डिस्प्लेस हो गया। तो यहाँ पे हम लोग जैसे ये क्यू चार्ज डिस्प्लेस हो गया डी से, तो ये डायपोल मोमेंट बोलते हैं, और ऐसे ही बहुत सारे रहेंगे तो डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, उसी को हम लोग पोलराइजेशन बोलते हैं, पोलराइजेशन। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड में एक डायपोल क्रिएट होता है ना, डायपोल तो ऐसे बहुत होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजेशन बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डायपोल मोमेंट, आयनिक डायपोल मोमेंट, ओरिएंटेशनल। तो जैसे एच सी एल एन ए सी एल जो होता है उसमें आयनिक भी होता है, आयन आयन डिस्प्लेसमेंट होता है, और जैसे एच टू ओ सी ओ टू कार्बन डाइऑक्साइड पानी है, उसमें जो है जो मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में डिस्प्लेसमेंट होता है, और फिर रोटेशन भी होता है, तो ओरिएंटेशनल पोलराइजेशन बोलते हैं ऐसा। तो वो उसको याद रखना है आपको ना, तो मटेरियल है जो पोलराइजेशन बिहेवियर मिलता है वो बेसिकली हम लोग को इलेक्ट्रॉनिक आयनिक और ओरिएंटेशनल पोलराइजेशन के कारण मिलता है, पोलराइजेशन जो मिलता है, जो आपको पोलराइजेशन इफेक्ट जो मिलता है, जो क्वार्ट्ज जो है ना, क्वार्ट्ज घड़ी वगैरह में जो लगाते हैं, इट इज वन ऑफ द पोलराइजेबल मटेरियल है ना, डायलैक्ट्रिक मटेरियल है, जो जिसको हम लोग पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल बोलते हैं। पीजो इलेक्ट्रिक का सेंसर वगैरह में भी यूज कर रहे हैं, वाइब्रेशन सेंसर है ना, ये सब देखेंगे अर्थक्वेक वगैरह मेजर करने के लिए, वाइब्रेशन सेंसर ये सब यूज करते हैं, याद रखिएगा उसको, ठीक है। तो ये है नॉर्मल कंपोनेंट है, हमने उसको निकाल लिया था, याद करिए, ठीक है। तो ये डी एन वन माइनस डी एन टू इज इक्वल टू रो एस, अगर रो एस जीरो हो तो ये हो जाएगा, तो वेक्टर वाइज भी लिख सकते हो ऐसा। तो ये चीज है, ये अपन ने निकाल लिया। अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग टेंजेंशियल कंपोनेंट के, तो मैंने जैसे बताया था ई टी वन माइनस ई टी टू होता है, ई टी वन इज इक्वल टू ई टी टू, मतलब टेंजेंशियल कंपोनेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वल होता है ना। तो जैसे ये इधर लिया है ई टी वन जस्ट मीडियम वन में, सरफेस के ऊपर ई टी वन और नीचे ई टी टू ऐसा। तो अगेन फिर एक उसके लिए क्या करना है, क्लोज पाथ बनाना है ऐसा, जिसे हाफ अंदर नीचे की तरफ हो और हाफ ऊपर हो ऐसा। तो जो टोटल हाइट रहेगा डेल एच रहेगा, लेंथ है फिर इसका डेल एल रहेगा ऐसा। तो वही चीज को लिखा है, तो यहाँ पे लिखा है कि वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज फ्रॉम हियर टू हियर, हियर टू हियर एंड हियर टू हियर, क्लोज पाथ। तो चार्ज को वापस वहीं पे ले आओगे तो कोई वर्क डन नहीं करना पड़ता ना, सो दैट इज माइनस क्यू करके होता है ई डॉट डी एल, दैट इज इक्वल टू जीरो। तो बेसिकली ई का क्लोज पाथ इंटीग्रेशन हमेशा जीरो रहता है, मतलब उसी पॉइंट पे वापस आ गए तो वर्क डन जीरो होता है ऐसा, है ना। मतलब ए टू बी गए, बी टू सी, सी टू डी, और एक कोई यूनिट चार्ज है उसको यहाँ से यहाँ मूव कर रहे हैं, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से वहां, तो कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा, जीरो आएगा। तो ये क्लोज पाथ इंटीग्रेशन ऑफ ई गिव्स यू जीरो वैल्यू, उसको यूज करते हैं हम लोग, है ना, इसको यूज करते हैं हम लोग, ठीक है। तो अगेन ए टू बी, बी टू सी, सी टू डी, डी टू ए पाथ के लिए आप लिख सकते हो। तो अगेन जैसे हमने मैग्नेटिक फील्ड के लिए किया था, वो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए कर रहे हैं। ए टू बी में गए ऐसा, तो ए टू बी में गए तो इधर ई टी वन है और इसका लेंथ डेल एल वन है, दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो इतना आ गया। सी टू डी में गए तो ई टी टू इधर आए, लेकिन डेल एल हम इधर जा रहे हैं, तो ये आ गया ऐसा, डी एल जो है ना, डेल एल इस तरफ जो भी रहेगा तो जस्ट अपोजिट है दोनों, ई और डी एल, तो माइनस में लिखा है। और क्योंकि ये हम टेंजेंशियल के लिए लिख रहे हैं और इधर जा रहे हैं, तो ये परपेंडिकुलर हो गए, तो बी टू सी और डी टू ए पार्ट के लिए जीरो आ जाएगा उसका, ए डॉट डी एल, ई डॉट डी एल जो है वो जीरो आ जाएगा। तो ये बेसिकली ये इस तरह से आ जाएगा, ई का जो क्लोज इंटीग्रेशन है, क्लोज पाथ इंटीग्रेशन, दैट गिव्स यू ई टी वन डेल एल माइनस ई टी टू डेल एल, दैट इज इक्वल टू जीरो। इसका मतलब हो गया ई टी वन इज इक्वल टू ई टी टू,
ये आपने प्रूफ कर लिया ऐसा। तो इस तरह से ये हम निकालते हैं, ये हो गया बाउंड्री कंडीशन। तो आप एग्जाम में देख लीजिएगा, ऑलमोस्ट एवरी ईयर रहता है, या तो मैग्नेटिक बाउंड्री कंडीशन प्रूव कर दीजिए या इलेक्ट्रिक बाउंड्री कंडीशन प्रूव कर दीजिए करके ऐसा जनरली पूछते हैं एग्जाम। इस तरह से एक मेटल बार दिया, जैसे मेटल बिस्किट होती क्या होती है ये बता रहे हैं। इन साइड मेटल देर इज नो चार्ज, नो चार्ज का मतलब है फ्री चार्ज, है ना। तो Q in I that will be equal to zero inside, है ना। तो मसला क्या कहता है कि चार्ज अगर है तो ही उस मतलब एक, जैसे मैं क्लोज सरफेस बनाया है ऐसा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इमर्जिंग थ्रू अ क्लोज सरफेस इज इक्वल टू टोटल चार्ज इनक्लोज बाय दैट सरफेस। तो यहाँ पे कोई नहीं करेगा इनक्लोज चार्ज, तो उस केस में ऐसा। तो इनसाइड बोल सकते हो, मटेरियल अगर हमको दिया है, इससे कोई मटेरियल दिया हुआ है इनसाइड, सो जीरो रहेगा अंदर, अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो रहेगा, बिकॉज इसमें जो भी साइड सेट सरफेसेस, तो सरफेस ये जो देख रहे हैं इसमें ये चार्जेस है वो सरफेस पे ही रहते हैं, हमको सरफेस पे ही मिलते हैं, तो याद रखिएगा। और जो है मेटल के केस में जो भी चार्ज है वो हमें सरफेस पे मिलते हैं, जो भी चार्जेस है वो हमें सरफेस पे मिलते हैं, याद रखिएगा, जो भी चार्जेस है वो सरफेस पे, यहाँ पे ऐसा, ये सरफेस पे इस तरीके से, ये सरफेस है, जो भी सरफेस बनेंगे यहाँ ऐसे सरफेस में, यहाँ यहाँ जो भी सरफेस ऐसे बनेगा वहाँ वहाँ आपको मिलेगा ऐसा, नीचे सरफेस बीच में नहीं मिलेगा, अंदर में जीरो। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉर्मल टू द सरफेस, आपने पढ़ा हुआ है कोई सरफेस में ऐसे ऐसा, तो इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा परपेंडिकुलर टू सरफेस, ऐसा परपेंडिकुलर टू सरफेस रहेगा ये बता रहा है। ठीक है, परपेंडिकुलर टू सरफेस, तो जो मेटल है मेटल बार है परपेंडिकुलर में इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा, नो टेंजेंशियल कंपोनेंट, इधर वाला कंपोनेंट नहीं रहेगा, नो टेंजेंशियल, ईटी विल बी जीरो। नो टेंजेंशियल कंपोनेंट यू विल गेट, ठीक है, नो टेंजेंशियल कंपोनेंट यू विल गेट, रिमेंबर नोट इन लेते हैं, तो प्रकार एंट्री एरिया इस सरफेस में रोएस है, तो ऐसा ये मेटल की प्रॉपर्टी होती है। तो मेटल के केस में भी कई बार आ जाता है कंडीशन लिखना, है ना, जैसे ये एयर है, ये ऊपर एयर है, ऊपर में एयर है और नीचे पूरा मेटल है, ऐसा मेटल, तो ये जैसे एक मेटल ये मैंने बना दिया एक मटेरियल ऐसा, ठीक है, जैसे गोल्ड बोल दीजिए इसको, एयू गोल्ड, है ना, गोल्ड जो बोला एयू, तो ये एयर पार्ट है, तो यहाँ पे जो है ईटी जो है बाउंड्री सरफेस, एयर और ये मेटल के बीच में एक सरफेस बन रहा है, तो ईटी जीरो रहेगा और ईएन जो रहेगा वही मिलेगा, एंड बेसिकली डीएन कंपोनेंट बोलेंगे, सो दैट इज इक्वल टू रोएस, तो यहाँ पे रोएस जो भी रहेगा चार्ज पर यूनिट एरिया उसके बराबर डीएन की वैल्यू मिलता है ऐसा। तो ये है, ये उसी तरीके से हम प्रूफ करते हैं उसको, आप प्रूफ कर सकते हैं उसको ना, ये बाउंड्री कंडीशन हो गया इसके लिए, इसके लिए एयर और मेटल के लिए, इन केस ऑफ मेटल वहां पे दो डाइलेक्ट्रिक था, डाइलेक्ट्रिक दो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के लिए ई टी वन इज इक्वल टू ई टू लिखते हैं, मतलब दो अलग अलग डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है, और ई टी जब जीरो कर रहा हूं मतलब मेटल के ऊपर
एयर है तो एयर और मेटल इंटरफेस पे क्या होगा ये लिखता हूं मैं, है ना, ऐसा। तो ये ऊपर में एयर है ऐसा, और इधर नीचे की तरफ मेटल है, मेटल ऐसा। याद रखिएगा बार बार बोल रहा हूँ, दिस इज ई टी, टेंजेंशियल जीरो होता है, और ऊपर रहेगा जो भी रहेगा वो डी एन का नॉर्मल वैल्यू मिलेगा, एंड दैट इज इक्वल टू रो एस, एंड दैट इज इक्वल टू एप्सिलॉन एन। सो ये एन ई एन, ई एन की वैल्यू आपको मिलेगा, एप्सिलॉन नॉट ई एन, ई एन ऐसा, ई एन नॉर्मल वैल्यू ऐसा, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। तो अगेन वैसे प्रूफ कर सकते हैं, डी डॉट डी एल की वैल्यू जीरो, तो ये आप जो है इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मल कंपोनेंट जीरो होता है करके आप प्रूफ कर सकते हैं। सेम वैसे ही प्रूफ करेंगे, है ना, आप देखेंगे ये पूरा लगा दिया जीरो, तो अगेन ए बी सी डी ऐसा करके पाथ लिया है, ए बी सी डी क्लोज पाथ लिया है, तो ए टू बी जाएंगे तो ई टी वन डेल एल हो जाएगा यहाँ पे वैल्यू, है ना, फिर इधर ऐसे अंदर जाएंगे इस तरह से तो ये जीरो आएगा, क्योंकि टेंजेंशियल कंपोनेंट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो ये जीरो आ जाएगा इस तरह से। और सी टू डी भी ये अंदर में है ना, तो उसमें क्या हो रहा था, डायलेक्ट्रिक में ये जीरो नहीं हो रहा था, डायलेक्ट्रिक मीडियम में अंदर आपके पास जो है चार्ज हो सकते हैं, बट यहाँ पे नहीं होते, है ना। तो ये आप जो है इसको जीरो कर दिया, ई डी टू, तो फील्ड जो अंदर जीरो है यहाँ पे, जीरो ऐसा, तो ये आपने जीरो कर दिया इसको, जीरो कर दिया यहाँ पे इसको, तो सी टू डी भी जीरो मिलेगा ऐसा। तो इस तरह से या जब आप लिखोगे तो ये सिंपली ऊपर वाला जो पाथ है वो मिलेगा। अगर अगर नॉर्मल कंपोनेंट मिल भी रहा जैसे, है ना, तो ये अंदर मटेरियल में तो रहेगा नहीं, ऊपर वाला जो पार्ट है उसमें हाफ रहेगा, तो ये आप जो भी लिखोगे इधर ई एन लिखा तो नीचे है, नीचे ऐसे जाओगे तो डेल एच, है ना, ऊपर जाओगे तो माइनस ऐसे करके लिखना पड़ेगा। तो ई एन ऐसा आप जो है एक डायरेक्शन में लोगे, आप ऊपर की तरफ जैसे लेते हैं अपन ऊपर, तो यहाँ पे ई एन और नीचे डेल एच, अगर पॉजिटिव लेते तो माइनस करके इसमें प्लस, तो ये और ये पार्ट ऐसा कैंसिल हो जाता है, याद रखिएगा, है ना। तो साइड से नहीं आएगा इसका कंट्रीब्यूशन, और इसका नहीं आएगा, ये आपका जीरो हो जाएगा, और इसका भी नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि अंदर में है मेटल, मेटल के अंदर में नो फील्ड, तो ये जीरो हो जाता है हमारा, ठीक है, मेटल के अंदर नो फील्ड, सो दैट विल बी इक्वल टू जीरो। तो उससे जब आप अप्लाई करोगे तो ये आ जाता है आपका दिस वन, इसका मतलब ई टी वन इज इक्वल टू जीरो, मतलब ऊपर की तरफ, ऊपर सरफेस में यहाँ पर ई टी दैट इज जीरो ऐसा। तो कंडक्टर के केस में टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। डी के लिए करना है तो उसके लिए अगेन एक जो है सिलेंड्रिकल फील बॉक्स की तरह लेना है, हाफ ऊपर रहे, फर्स्ट मीडियम एयर में रहे और हाफ अंदर की तरफ रहेगा, तो वही केस को आपको अगेन फर्दर अप्लाई करना है। यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं ये इस कंडीशन को, कूलम्ब सॉरी हाँ गॉस लॉ को अप्लाई करना है, क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ डी गिव्स यू इलेक्ट्रिक फ्लक्स मैग्नेटिक थ्रू दैट सरफेस, क्लोज सरफेस क्यू, है ना। तो ये अप्लाई कर दिया अपन ने, अगेन ये तीन टॉप बॉटम कर्व्ड सरफेस से बना रहेगा, तो बॉटम में अगेन हम यहाँ पे इसका निकालोगे, बॉटम में तो जीरो निकालेंगे क्योंकि फील्ड जीरो होता है यहाँ पे, है ना, फील्ड जीरो होने के कारण, तो बॉटम में डी इज अप्सिलॉन ई लिखोगे तो ये जीरो हो जाएगा, है ना, डी इज जो भी अप्सिलॉन है मटेरियल का इंटू ई करके ई टू, तो वो जीरो हो जाएगा। कर्ड सरफेस में भी क्योंकि डी और कर्ड सरफेस का ये ऐसा रहता है तो ये परपेंडिकुलर होंगे, ये भी जीरो हो गया। ऊपर में जो रहेगा डी एन वन डेल एस ही मिलेगा, है ना, तो ये डी डॉट डी एस ही आ गया आपके पास, ये वैल्यू क्यू, क्यू कितना मिलेगा आपको यहाँ पे, क्यू कितना इंक्लोज करेगा, रो एस इंटू डी एस डेल एस, ये जो डेल एस रहता है ऐसा, तो ये डी एन डेल एस करके, तो ये डेल एस कैंसिल हो जाएगा आपके पास, डी एन वन इज इक्वल टू रो एस, तो डी एन वन इज इक्वल टू रो एस ऐसा, तो डी एन इन जनरल ये ऐसा बोल सकते हो, डी एन इज रो एस, रो एस क्या है, मेटल के जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो है, सरफेस पे जो चार्ज डेंसिटी, और इधर ई टी जो है टेंजेंशियल कंपोनेंट दैट इज जीरो ऐसा। तो ये मेटल के केस में हो गया, याद रखिएगा, ठीक है। तो इस तरह से उसको निकालना है अपने को, ठीक है। हेलो हेलो, तो
इस तरह से जो है ऑलमोस्ट जो है 30 मिनट भी कवर कर हो जाता है। अब लास्ट में जो है मैग्नेटाइजेशन भी थोड़ा सा देख लेते हैं। रिलेशनशिप बिटवीन मैग्नेटाइजेशन, इसको हम एम से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एम से मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एच एंड मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी बी, ये आपस में रिलेशनशिप होता है। कोई भी अगर मैग्नेटिक मटेरियल है सो वी राइट बी इज इक्वल टू म्यू नॉट इन टू एच प्लस एम, ऐसा, वेयर एम इज क्या होता है, मैग्नेटाइजेशन। मैग्नेटाइजेशन मैग्नेटाइजेशन जो है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। जैसा इलेक्ट्रिक डायपोल होता है ये प्लस क्यू और ये माइनस क्यू है ना, तो इस तरह से ये एक डायपोल क्रिएट करता है, तो डायपोल मोमेंट बोलते हैं ऐसा, म्यू से इस डायपोल मोमेंट या पी से उसको रिप्रेजेंट करते हैं क्यू डी, और पर यूनिट वॉल्यूम ऐसा निकाले ऐसे बहुत सारे हों यूनिट वॉल्यूम में, तो उसको पोलराइजेशन कहते हैं हम लोग, है ना। पोलराइजेशन पोलराइजेशन इज डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम कहा जाता है। वैसे ही क्या होता है कि जो ऑर्बिटल जो इलेक्ट्रॉन है ना, जैसे ये मूव कर रहे हैं पर्टिकुलर ऑर्बिट में, फिर ये क्या स्पिन भी करता है, तो ऑर्बिटल मोशन और स्पिन मोशन है ना, ये एक बोलते हैं एक इक्वेलेंट करंट होता है। तो करंट की वैल्यू जो है, अब जब हम यहाँ पे डायपोल मोमेंट डिफाइन करते हैं मैग्नेटिक है ना, तो इसको बोलते हैं आई इंटू ए, ये जो किस एरिया क्रॉस सेक्शन क्या है इसका, ऐसा एक पर्टिकुलर रेडियस आर में ये इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो एक डायपोल मोमेंट कंस्टिट्यूट करता है ऐसा। इसका जो डायरेक्शन होगा क्या होगा, अगर इसका करंट इस डायरेक्शन में फ्लो, करंट मतलब इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, करंट अगर इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है और ये एरिया ये कर रहा है तो डायपोल मोमेंट आई इंटू ए करते हैं। ऐसी अगर बहुत सारे हो तो पर यूनिट वॉल्यूम में अगर करते हैं तो उसको डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम किए, नंबर ऑफ डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, तो ये मैग्नेटाइजेशन कहलाता है ना। तो सिर्फ ऑर्बिटल मोशन ही नहीं देता मैग्नेटिक बिहेवियर, ये जो मैग्नेटिक बिहेवियर आता है इलेक्ट्रॉन मोशन का, ऑर्बिटल मोशन एज वेल एज स्पिन मोशन, और न्यूक्लियस भी स्पिन करता है। तो ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना, स्पिन मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एज वेल एज स्पिन मोशन ऑफ न्यूक्लियस, ये तीनों मिलकर मैग्नेटिक बिहेवियर बनाते हैं। इसीलिए हर मटेरियल में आपको अलग अलग मिलता है, क्लासीफाई इसीलिए किया फेरो फेरी एंटी फेरो डायमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक करके, है ना। अभी क्लियर नहीं होगा क्योंकि अपने सिलेबस में नहीं है वो पूरा डिटेल में, डायमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक फेरोमैग्नेटिक। तो जो मैग्नेटिक बिहेवियर होता है वो इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट होता है उसके कारण, लेकिन क्या होता है जैसे ही अगर हम किसी मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हैं उसको, तो ये जो मैग्नेटाइजेशन जो मैग्नेट जो ऑलरेडी डायपोल मोमेंट है वो दे ट्राई टू अलाइन अलॉन्ग द फील्ड डायरेक्शन होता है। तो वो जो वो बोल सकते हो कि नया एक मैग्नेटिक बिहेवियर या नया मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा वो, क्योंकि वो अपने आप में एक डायपोल क्रिएट करता है। जैसे मैंने कहा था डायपोल इलेक्ट्रिक है तो वो भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है, उसी तरीके से जो है मैग्नेटिक बिहेवियर होता है जैसे ही आप उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, है ना। तो और ये जो इलेक्ट्रॉन जो मूव कर रहे हैं एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में, इसको बाउंड चार्ज बोलेंगे, बाउंड इलेक्ट्रॉन है ना, बाउंड चार्ज। लेकिन अगर वही चीज अगर मेटल के केस में जब इलेक्ट्रॉन पूरा बाहर हो गया, पर्टिकुलर एक ऑर्बिट में नहीं घूम रहा है, तो वो फ्री इलेक्ट्रॉन कहलाता है ना। तो याद रखिएगा, तो जो मैग्नेटाइजेशन जो है वो रिलेटेड टू बाउंड इलेक्ट्रॉन, बाउंड चार्जेस के कारण बिहेवियर होता है, याद रखिएगा इसको, ठीक है। तो जैसे हम कोई भी मटेरियल को इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो एक मैग्नेटाइजेशन क्रिएट होता है उस मटेरियल में, है ना। तो ये मैग्नेटाइजेशन है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एच होता है, जितना भी फील्ड अप्लाई करेंगे उसके प्रोपोर्शनल में। दिस जाई जो है प्रोपोर्शनल कांस्टेंट को हम लोग बोलते हैं ससेप्टिबिलिटी, हाउ ससेप्टेबल मटेरियल इन क्रिएटिंग मैग्नेटाइजेशन, मतलब कितना डायपोल्स क्रिएट कर रहा है, जितना ज्यादा डायपोल्स क्रिएट करेगा उतना ज्यादा ससेप्टिबिलिटी होती है उसकी, ज्यादा होती है। हाउ ससेप्टेबल मटेरियल व्हेन यू प्लेस दैट मटेरियल इन मैग्नेटिक फील्ड, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करने से इन किसमें ससेप्टिबल टू क्रिएट डायपोल मोमेंट या मैग्नेटाइजेशन, ऐसा, ठीक है। तो ये जनरली न्यूमेरिकल आते हैं इसमें एच एम बी से रिलेटेड, है ना। कोई भी जैसे एच और बी दिया तो एम निकाल दो, या आपको म्यू आर दिया है बी दिया है तो एच निकाल दो, इस तरह से। तो दो तीन क्वांटिटी दिया रहेगा और चार पांच क्वांटिटी पूछा जाएगा आपसे, तो आप निकाल सकते हो, ठीक है। सो बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एच प्लस एम होता है, एम इज ससेप्टिबिलिटी एच होता है,
अब ये जो रिलेशन आता है वो कहां से आता है, बी इज म्यू एच, बी म्यू एच, वेयर म्यू इज म्यू नॉट म्यू आर लिखते हैं ना, तो ये बेसिकली अगर फ्री स्पेस है तो बी सिंपली म्यू नॉट एच लिखते हैं, लेकिन उसमें मैग्नेटिक बिहेवियर भी मिल रहा है तो ये आपका इससे मल्टीप्लाई हो जाता है, मतलब एड हो जाता है, और मैग्नेटाइजेशन एच में मैग्नेटाइजेशन की वैल्यू एड होके इनहेंस वैल्यू आप बी मिलेगा आपको, ऐसा बोल सकते हो ऐसा. सो बी इज इक्वल टू यहाँ पे आप जो है एम की वैल्यू रख दिया, ससेप्टेबिलिटी एच की वैल्यू यहाँ पे, तो ससेप्टेबिलिटी एच लिखा, सो म्यू नॉट जो है ससेप्टेबिलिटी ये वाली वैल्यू रख दिया, वन प्लस एच को बाहर कर दिया, तो वन प्लस ससेप्टेबिलिटी जो है ये रिलेटिव परमेबिलिटी होता है ऐसा. तो कई बार क्या होता है हमको ये साई दिया रहेगा, म्यू आर नहीं दिया रहेगा, तो म्यू आर निकालो बोलेंगे, या म्यू आर दिया रहेगा तो जो है आपका साई की वैल्यू निकालो ऐसा बोलेंगे, तो निकाल सकते हैं. तो वन प्लस साई इज इक्वल टू म्यू आर, ये बात को याद रखना है अपने को, आपस में रिलेशनशिप ठीक है. तो ये यहाँ पुट कर दिया तो यहाँ से ये चीज आई, और ये जो है म्यू आर होता है ऐसा, तो ये म्यू आर कर दिया अपन ने, तो ये बी म्यू नॉट म्यू नॉट, तो बी इज म्यू एच, इस तरह से आता है ऐसा. तो यहाँ पे जो म्यू आया है, म्यू आर जो आया है एराइज हुआ है ड्यू टू मैग्नेटाइजेशन बोल सकते हो. अभी हर एक के लिए अलग अलग होता है, डायमैग्नेटिक मटेरियल के लिए अलग रहेगा, पैरा के लिए अलग, फेरो के लिए अलग, फेरो के लिए बहुत ज्यादा रहेगा म्यू आर की, है ना, तो इसको ध्यान रखना है आपको ठीक है. और तो आप बोल सकते हो एच इज रिलेटेड विथ करेंट, ये जो इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट होता है उसके कारण, है ना, एच. और एम जो है मैग्नेटाइजेशन, मैंने कहा था बाउंड, बाउंड करेंट है ना, जो मैंने कहा था एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में जैसे घूम रहा है इलेक्ट्रॉन या स्पिन कर रहा है, तो ये सब बाउंड है, छोड़ के नहीं जाते उसको, या न्यूक्लियर स्पिन है उसके कारण. तो मैग्नेटिक बिहेवियर तीन कारण से होता है, ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, स्पिन मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड न्यूक्लियर स्पिन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो न्यूक्लियस में होते हैं वो मूवमेंट करते हैं उसके कारण. तो ये बाउंड इलेक्ट्रॉन बोल के कारण मूवमेंट से जो करंट आएगा उससे रिलेटेड होता है. तो सेम कॉन्सेप्ट है, उसी से हम एम निकाल लेते हैं. तो एच फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण जो करंट आता है उसका एच मिलेगा, और बाउंड करंट से हमको एम मिलेगा. तो यहाँ पे क्लोज पाथ इंटीग्रेशन करेंगे तो दिस गिव बाउंड करंट, है ना, और यहाँ पे क्लोज पाथ इंटीग्रेशन गिव्स यू जो डायरेक्ट करंट इनक्लोज, यहाँ पे बाउंड करंट इनक्लोज. और बी जो रहता है वो टोटल से आता है ऐसा. तो बी अपॉन म्यू नॉट इज इक्वल डॉट डी एल इज टोटल करेंट, आई टोटल जो होता है ये आपका फ्री करेंट, इलेक्ट्रॉन करेंट, और ये बाउंड करेंट, है ना, फ्री करेंट और बाउंड करेंट ऐसा, तो ये टोटल करेंट मिलता है अपने को. तो बी इज रिलेटेड विद दैट टोटल से, याद रखिएगा. तो ये अगर इसको ये पॉइंट फॉर्म है तो इसका जो पॉइंट फॉर्म लगेगा कर्ल एच जे देगा, जे जो है आपका चार्ज डेंसिटी, कंडक्शन करेंट है जो वो जो फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण मिलेगा. इसका कर्ल लोगे एम का तो इसमें बाउंड करेंट डेंसिटी मिलेगा, जे बी आई बी पर यूनिट एरिया, है ना, मतलब बाउंड करेंट पर यूनिट एरिया मिलेगा. और बी अपॉन म्यू नॉट का करोगे तो टोटल करेंट डेंसिटी मिलेगा ऐसा, तो ये आपको याद रखना है. और जे का जैसे सिंपल ओपन सरफेस इंटीग्रेशन करोगे तो आई देगा, बाउंड करेंट का ओपन सरफेस इंटीग्रेशन करोगे तो आई बी देगा ऐसा ठीक है. और जेटी का टोटल इंटीग्रेशन करोगे तो वो आई टी देगा ऐसा, इस तरीके से जे का टोटल करोगे इंटीग्रेशन तो दिस विल गिव यू टोटल. तो इसको याद रखना है, देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन दिस. तो ये न्यूमेरिकल देख लेते हैं फटाफट, आज कंप्लीट करना ही है, न्यूमेरिकल है वो देख लेते हैं. तो न्यूमेरिकल वन, ये जो है आई वन डी डी डेल एल वन, एक करेंट फिलामेंट दिया है ना, और जो वन पे प्लेस्ड है ये आई टू डी एल टू जो सेकंड पॉइंट पे प्लेस्ड है. आई वन डेल एल वन जो है 10^-5 वेजेड है, मतलब ये करेंट है मेरा जेड डायरेक्शन में जा रही है. इसमें कहाँ पे, पॉइंट पी वन जीरो पे, पी वन जीरो पे रखा हुआ है ना, पी वन जीरो पे रखा हुआ है. और सेकंड जो एलिमेंट है ये यहाँ पे रखा हुआ है पी टू पॉइंट पे, है ना, ये देखिए -100 इसका कोऑर्डिनेट है, वहां पे रखा हुआ है. तो क्या पूछ रहा है कि दोनों फ्री स्पेस में रखे हैं, फाइंड द वेक्टर फोर्स एक्सर्टेड ऑन I2 del L2 by I1 del L1, वेक्टर फोर्स, फोर्स कितना लगेगा इसमें, फोर्स कितना लगेगा वो निकालना है ना. तो फोर्स कितना लगेगा इसमें, 2 पे
आपको पहले ही बता चुका हूं, पहले डिफरेंशियल फोर्स पूछ रहा है, वो डिफरेंशियल फोर्स टोटल लेंथ नहीं दिया है, डिफरेंशियल फोर्स बोल रहा है। तो डिफरेंशियल फोर्स कितना लगेगा, आई टू डेल एल टू वेक्टर क्रॉस डी बी टू, ये एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा इसमें, है ना, डी बी टू बोल रहा हूँ उसको, तो ये डी बी टू निकालना पड़ेगा। डी बी टू टू क्या होगा मेरा, दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट, दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट डी एच टू होगा ये, डी एच टू, ये डी एच टू मतलब ये एक डी एच टू प्रोड्यूस करेगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा ये यहाँ पर ऐसा। तो इसकी वैल्यू कितना होगा, इतना आई वन डेल एल वन क्रॉस आर वन टू वैक्टर फोर पाई आर वन टू क्यू। आर वन टू क्या है, वन से लेके टू के बीच का वैक्टर है, तो ये आपको दिया हुआ है पॉइंट पी वन और पी टू, है ना। तो आर वन टू वैक्टर निकाल सकते हैं आप, माइनस वन दैट इज माइनस टू एक्स करके, तो ये दिस इज माइनस टू एक्स, इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे तो टू आएगा, ठीक है। तो आपने डी एच टू निकालेंगे पहले, तो डी एच टू निकाल लिया तो इतना आ जाएगा, एज एट क्रॉस प्रोडक्ट है यहाँ पे, तो ये आपके पास डी बी टू आ गया। डी बी टू को यहाँ रख दीजिए, फिर इसका डेल आई टू डेल एल टू दिया है अपने को यहाँ पे, है ना, आई टू डेल एल टू देखिए यहाँ पे पूरा दिया हुआ है, यहाँ पे ये देखिएगा आई टू डेल एल टू दिया है, आप आई टू डेल एल टू रख दीजिए उसकी वैल्यू, तो आई टू डेल एल टू की वैल्यू यहाँ रख दीजिए आप, यहाँ पर देखिएगा यहाँ पे रख दिया उसकी वैल्यू जो दिया है, क्रॉस प्रोडक्ट जो डी बी निकाला उसको यहाँ रख दिया, तो आपके पास इतना आ जाएगा वेक्टर फोर्स लगेगा F2 पे, जो फोर्स लगेगा यहाँ पर F2 DF2 जो लगेगा डिफरेंशियल फोर्स ड्यू टू दिस डिफरेंशियल करेंट एलिमेंट, है ना, तो ये इतना आ जाएगा। इस तरह से इसको सॉल्व करना है। फिर है पॉइंट चार्ज Q माइनस 1.2 कूलम हैज अ वेलोसिटी, इतने वेलोसिटी से मूव कर रहा है, कोई चार्ज Q है वो V से ऐसे मूव कर रहा है वेलोसिटी से, ठीक है। फाइंड द वेक्टर फोर्स एग्जर्टेड ऑन द चार्ज इफ, यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है तो उस पर फोर्स कितना लगेगा, तो फोर्स इज क्यू ही है, डायरेक्ट कर देंगे तो ये आ जाएगा आंसर, इलेक्ट्रिक फोर्स इतना लगेगा, है ना, इलेक्ट्रिक फोर्स पढ़े ही अपन, दैट इज इक्वल टू क्यू इन टू ई, ठीक है, वेक्टर वाइज ऐसा। फिर अगर बी में रखा है, बी भी एग्जिस्ट कर रहा है, तो मैग्नेटिक फोर्स है वो दैट इज वी क्रॉस बी, है ना, वी क्रॉस बी, तो वी क्रॉस ए क्रॉस बी कैसे लिखते हैं बताया था आपको, ए से वाई ए जेड, वी का है तो ये कंपोनेंट वाई कंपोनेंट जेड कंपोनेंट, बी का एक कंपोनेंट वाई कंपोनेंट जेड कंपोनेंट ऐसा, तो ये आप क्रॉस प्रोडक्ट ले लिए, जो भी आएगा वो मैग्नेटिक फोर्स हो जाएगा। फिर लॉरेंज फोर्स, वो अगर दोनों फोर्स एग्जिस्ट कर रहा हो तो इलेक्ट्रिक फोर्स प्लस मैग्नेटिक फोर्स दोनों को ऐड कर दीजिए, तो इस तरह से ये आ जाएगा। तो ऐसा है, जब आपको इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स निकालना है तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं उसको, ठीक है। अब एक देखिए, जो मैं बोल रहा था कि अलग अलग मटेरियल है उसका साइज दिया रहता है, ये देखिएगा एक मटेरियल है जिसमें ससेप्टिबिलिटी दिया है 3.1 एंड विद इन विच बी इज इक्वल टू 0.4 वाई ए जेड, ये ए जेड यहाँ पे है ना, मतलब ए जेड ऐसा दिया हुआ है, ए जेड जेड डायरेक्शन में है, 0.4 वाई वाई का फंक्शन में है, तो कैलकुलेट म्यू बोला, म्यू आर निकालिए, एम मैग्नेटाइजेशन निकालिए, जे निकालिए करेंट डेंसिटी, फ्री करेंट डेंसिटी, बाउंड करेंट डेंसिटी, टोटल करेंट डेंसिटी, ठीक है, इसको निकालना है। तो वन बाई वन करते हैं, बी दिया है आपको देखिए यहाँ पे, सो बी इज म्यू नॉट वन प्लस ससेप्टिबिलिटी इन टू एच, है ना, यहाँ पे तो हमको ये दिया हुआ है, बी भी दिया हुआ है, यहाँ से एच निकाल लिया, ठीक है, तो एच इतना आ गया। तो ये फॉर्मूला याद रहेगा तभी आप कर सकते हैं, फॉर्मूला को याद रखना है। अब बोलता है म्यू निकालिए, तो म्यू जो है दैट इज वॉट म्यू नॉट इन टू वन प्लस ससेप्टिबिलिटी, है ना, तो दिस इज म्यू आर, तो वन प्लस ससेप्टिबिलिटी इससे म्यू निकाल लिया। देन म्यू आर भी पूछा है, तो व्हाट इज म्यू आर, म्यू आर इज वन प्लस ससेप्टिबिलिटी, सो दिस इज 4.1। व्हाट इज मैग्नेटाइजेशन, एच निकला हुआ है, ससेप्टिबिलिटी दिया है, तो मैग्नेटाइजेशन इज ससेप्टिबिलिटी टाइम्स एच, तो एच से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ससेप्टिबिलिटी 3.1 दिया है, तो जो भी एच आएगा 3.1 टाइम्स मैग्नेटाइजेशन आएगा। नाउ व्हाट इज जे, तो एच निकला हुआ है, आप कर्ल लेंगे, कर्ल जो मैंने बताया था कैसे लिखते हैं पूरा आपका कर्ल वैल्यू वैल्यू, तो दिस इज एक्स ए वाई ए जेड ऐसे करके, दैट इज डेल बाई डेल एक्स, डेल बाई डेल वाई, डेल बाई डेल जेड, ठीक है, फिर ये एच एक्स एच वाई एच जेड, तो इस तरह से डिटर्मिनेंट में लिखेंगे उसको, इधर एक्स ए वाई ए जेड, इधर डेल बाई डेल एक्स डेल वाई डेल जेड, और इधर एच एक्स एच वाई एच जेड, उसको ओपन कर देंगे तो ये कर ले जो भी आएगा वो आंसर आ जाएगा ऐसा, ठीक है। फिर एम भी आपको पता है उसका लिखेंगे, तो यहाँ पे डेल बाई, यहाँ पे
एम एक्स एम वाई एम जेड इसको लिखेंगे तो ये कर्ल एम आ जाएगा आपका यहाँ पे, तो इस तरह से आप उसको भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये आप जो है एम निकाल लेंगे। फिर बोल रहा है जे टी, तो बी भी निकला हुआ है, बी भी निकला हुआ है, सो कर्ल आप बी डिवाइडेड बाई म्यू नॉट करेंगे, मतलब बी जो भी दिया उसको म्यू नॉट से डिवाइड करेंगे, उसका कर्ल लेंगे और ये जे टी आ जाएगा। तो इस तरह से आप जो है अलग अलग पैरामीटर निकाल सकते। देखिए इसमें दो पैरामीटर दिया है, ससेप्टिबिलिटी, यू कैन सी ईयर, हाँ यू कैन सी ईयर, ससेप्टिबिलिटी और बी दिया है आपने, 1 2 3 4 5 6 6 क्वांटिटीज निकाल लिया आपने। सो टू क्वांटिटीज गिवन, यू कैलकुलेटेड 6 क्वांटिटीज। तो इफ यू रिमेंबर द फॉर्मूला देन यू कैन कैलकुलेट दिस ऑल 6 क्वांटिटीज, याद रखना है इसको। ठीक है, तो इस तरह से ये भी हो गया। तो इस तरह से अपना सेकंड यूनिट, फर्स्ट यूनिट, थर्ड यूनिट पूरा कंप्लीट हो जाता है ये इस तरह से। ठीक है, याद रखिएगा। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, नेक्स्ट क्लास में फिर हम जो है यूनिट नंबर 4 स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अगर मैं कल लेता हूँ, जरूरी नहीं है कि कल मैं लूँ, अगर लेता भी हूँ तो आप उसको एंड करिए, कंपलसरी नहीं है, आपकी मर्जी है तो करिए, नहीं करना है तो मत करिए, लेकिन सेशनल वगैरह जो बनेगा अटेंडेंस एक क्राइटेरिया रहेगा, याद रखिएगा उसको। ठीक है।